धमाके पर धमाके, 24 घंटे में 5 विस्फोटों से इंडोनेशिया में हड़कंप मच गया। इंडोनेशिया के रुआंग ज्वालामुखी के विस्फोट ने हैरान करने वाला नजारा दिखाया है। नॉर्थ सुलावेसी प्रांत के रुआंग पर्वत पर ज्वालामुखी इतनी तेज फटा कि सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। विस्फोट के बाद राख और धुआं स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गया, यानी 19 किलोमीटर की ऊंचाई तक धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। बुधवार को ज्वालामुखी फटने के बाद करीब 11,000 लोगों को इलाका खाली करने के निर्देश दिए गए, जबकि रात भर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्तरी सुलावेसी के मनाडो में सैम रतुलंगी हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। इससे पहले 1871 में ज्वालामुखी इतनी तेज फटा था, तब भयानक सुनामी आई थी। हालांकि साल 2018 के ज्वालामुखी ब्लास्ट में 430 लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। यहां पर कुल मिलाकर 121 ज्वालामुखी हैं, जिसमें से 74 साल 1800 से एक्टिव हैं। इनमें से 58 ज्वालामुखी साल 1950 से सक्रिय हैं, यानी इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है।